हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एक एनिमे सीरीज की। आप लोग थंबनेल तो समझ चुके हो, इसका नाम है द प्रॉमिस नेवरलैंड की। तो सीरीज का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा उन सारे लोगों को जिन लोगों ने इस सीरीज का रिकमेंड किया था, क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि भाई एक बार ये बंदा सीरीज देख लेगा तो उसके बाद ये सीरीज का दीवाना बन जाएगा। और एक्चुअली ये फैक्ट बात है कि मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा था और डेड नोट देखा था, उसके अलावा मैंने एक भी एनिमे सीरीज नहीं देखा। और अब जाके मैंने ये सीरीज देखा और मैं इस सीरीज का सीजन 2 का वेट करने लगा हूं। इस सीरीज की कहानी इतनी शानदार और ऐसी कहानी कि मतलब यहां पर मैं आज इस चैनल पे पहली बार चैलेंज देने जा रहा हूं। वो चैलेंज ये है, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे खुला चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं स्पेशली इतना कह सकता हूं कि इस सीरीज को देखो, अभी देखो, लिंक दे दियो डिस्क्रिप्शन में, अभी देखो। अगर आपको ये सीरीज पसंद नहीं आती है तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सीरीज अगर आप लोग एक बार देख लोगे ना तो लिटरली इस सीरीज के दीवाने बन जाओगे। भाई बात करते हैं अभी सीरीज की। तो सीरीज की कहानी शुरू होती है ऑर्फनेज से, यानी कि अनाथ आश्रम से। वहां पर हमें तीन मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एमा, रे और नॉर्मन का। कहने को तो ये तीनों बच्चे हैं मगर दिमाग से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और उस ऑर्फनेज की जो केयर टेकर है उसका नाम इजाबेला और उसको वहां के बच्चे मॉम बोलते हैं। खैर, इस सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस ऑर्फनेज में एक छोटी बच्ची जिसका नाम है खोनी, उसको एडॉप्ट करने के लिए कुछ लोग आते हैं। केयर टेकर इजाबेला के साथ वो बच्ची चली तो जाती है लेकिन पीछे वो अपना एक टॉय छोड़ जाती है। अब उस टॉय को लौटाने के लिए एमा और नॉर्मन उस बच्ची के पीछे जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि उस ऑर्फनेज का एक रूल है, वो रूल ये है कि कोई भी बच्चा उस ऑर्फनेज को और वहां के ग्राउंड को छोड़कर कभी बाहर नहीं जाएगा। और इसी वजह से वहां के बच्चों लोगों ने बाहरी दुनिया कभी देखे तक नहीं होते। ये नियम है, ये सब मालूम होने के बावजूद भी नॉर्मन और एमा ये रूल ब्रेक करते और उस बच्ची के पीछे भागते। लेकिन उसके बाद वो लोग कुछ ऐसा देखते जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, साथ ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि सीरीज में मुझे क्या कुछ अच्छा लगा। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर एमा, नॉर्मन और रे, इसके अलावा भी यहाँ पर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि इस सीरीज में अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे डॉन और गिल्डा, इनका काम भी बहुत अच्छा। उसके अलावा सिस्टर क्रोना जो कि चाहती है मॉम इजाबेला की जगह लेना। अब बात करते हैं सीरीज के कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन पर्सनली एक कैरेक्टर जो आपके दिल पे पूरी तरह से कब्जा कर लेगा वो है नॉर्मन। बच्चा है तो बहुत स्मार्ट लेकिन जहां जहां पे इमोशनल सीन्स बताए ना तो मतलब लिटरली आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस सीरीज में ऐसे ऐसे इमोशनल सीन्स है मतलब कि यार मैं यहाँ पर बयां तक नहीं कर सकता। और ये कहने को तो हॉरर सीरीज है। अब हॉरर का मतलब ये नहीं कि आपको घोस्ट या भूत देखने को मिलेंगे, हॉरर के कई और भी मायने होते हैं। जब ये सीरीज को देखो तो आपको डर महसूस होता है। कुछ कुछ ऐसे सीन्स है जहां पर उन बच्चों के साथ साथ आपको भी वो फील लिटरली आ जाएगी। उसके बाद सीरीज की अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करो तो भाई रोंगटे खड़े कर देता है। यहाँ पर कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में कुछ शॉकिंग बातें रिवील हुई, जैसे कि मॉम इजाबेला के बारे में भी सीरीज में बहुत कुछ बताया जाए। उसके अलावा रे के बारे में हो या सिस्टर क्रोना के बारे में होते, यानी कि हर एक कैरेक्टर्स की अपनी एक अलग कहानी है। बहुत ही डिटेल में मैं तो बोलूंगा हर एक कैरेक्टर्स को यहाँ पर पेश किया है। उसके अलावा अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करूं तो हर एक एपिसोड में आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं हर एक एपिसोड में। और लास्ट के 5 एपिसोड तो भाई मास्टरपीस है इस सीरीज के। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जाके देख लो। अब बात करते कुछ स्पॉयलर्स की। सीरीज ने अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़ गए, अब वो सवाल के जवाब सीजन 2 में मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर वो सवाल उन लोगों से पूछना चाहूंगा जिन लोगों ने इस सीरीज को ऑलरेडी देख चुके, वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते कि भाई आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे इंडिया में महान दिग्गज गुरु जी लोग है जो एनिमे लवर है, उनको सब कुछ पता रहता है। तो मैं उन लोगों से 3 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला तो ये कि अब वो बच्चे लोग उस ऑर्फनेज से तो बाहर निकल चुके हैं लेकिन बाहरी दुनिया में उनका सामना सिर्फ डेमन से होगा या इंसान लोग भी रहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये विलियम मिनर्वा है कौन और क्या ये बच्चे लोग उसको ढूंढ पाएंगे या वो बच्चों को ढूंढेगा। और तीसरा और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट सवाल है, तो क्या नॉर्मन जिंदा है या नॉर्मन मर गया। देखिए उसका सवाल का जवाब एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको देना चाहूंगा, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ। वो ये कि नॉर्मन एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेन है, मेरे हिसाब से मेन है, और उसको इतनी आसानी से मारना मुझे मुश्किल लगता है। क्योंकि जो जो बच्चों की मौत हुई है या जिसकी भी मौत हुई है हमें उसकी डेड बॉडी देखने को मिली, जैसे कि कोनी की डेड बॉडी देखने को मिली, प्लस सिस्टर क्रोना की देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्मन की डेड बॉडी देखने को नहीं मिली। और जब नॉर्मन वहां जाता है तो वहां पर येलो कलर की लाइट दिखती है और नॉर्मन शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हमें नॉर्मन का कुछ भी नहीं बताया और हम व्यूवर्स को ऐसा बताया कि एमा और रे को उसकी आत्मा दिख रही। अब उसको रियल में उसकी आत्मा थी या वो अभी भी जिंदा है
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो ये सब तो सीजन टू में ही देखने मिलेगा। तो ये क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तो आप लोग मुझे जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दुआ में याद रखना।